ये सिर्फ ये पीसीबी क्लीन करके देखना है, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर या। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैनटेक में। दोस्तों आज हमारे पास महिंद्रा की बोलेरो पिकअप है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब ज़रा भी पिकअप नहीं ले रही, बहुत मतलब एम्प्टी भी है गाड़ी, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल है, इसमें लोड नहीं है तो भी ये मतलब अप हिल्स पे वगैरह चढ़ नहीं रही है, मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रहा है पिकअप में। तो ये जो सेम प्रॉब्लम है महिंद्रा की बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, झाइलो है, तो बहुत सी गाड़ियों में आता है और अदर कंपनी की जो गाड़ियाँ है उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले स्कैन करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और उसके कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो स्टार्ट हो गई, ठीक है। स्टार्ट हो जाने के बाद ये देखो ये चेक इंजन लाइट आ जाती है और मैं एक्सीलरेट करता हूँ, देखो ये देखो पूरा एक्सीलरेटर दबाते हो ना तो बहुत लेट धीरे धीरे आरपीएम लेती है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक्सीलरेटर है, ये देखो पूरा प्रेस किया और रेस देखो कितने टाइम बाद रेस हो गई। तो 100% जो प्रॉब्लम है ये हमारे एक्सीलरेटर पेडल में है, क्योंकि ऐसा होता है तो एक्सीलरेटर पेडल का ही प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फिर आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये कैसे जैसे एक्सीलरेटर पेडल दबाते हैं ना तुरंत ऐसा आरपीएम लेना चाहिए, ले नहीं रही है। आप आवाज़ सुनो इंजन का, ये देखो तो थोड़ा टाइम हो जाने के बाद ये रेस हो रही है, तो एक्सीलरेटर पेडल का ही प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। लग मतलब 99% उसी का है, क्योंकि मतलब देख के ही पता चल रहा है। तो अभी स्कैन भी करेंगे क्योंकि 100% श्योर होना है हमें। तो अभी स्कैनर कनेक्ट किया, तो जाते हैं इंडिया महिंद्रा, ठीक है, कनेक्ट होने देते हैं। डायग्नोस्टिक और हमारी है बोलेरो पिकअप, बोलेरो पिकअप BS4 है, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट, रीड ट्रबल कोड, ठीक है। तो ये स्पीड सिग्नल का है, उससे कुछ मतलब लेना देना है। क्लच का स्विच है उसका भी है, ब्रेक स्विच का भी है उसका भी कुछ मतलब ऐसा मतलब नहीं। ये हिल्टेड है और ये दो ही करंट है, क्लच का 90% स्विच, मतलब क्लच का पेडल का सेटिंग करना पड़ेगा, उसका कुछ मतलब इतना ये नहीं है, बड़ा ये नहीं है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। उसके बाद ये जो सिग्नल फॉल्ट कोड है देखो P2138 पल्सिबिलिटी बिटवीन APP मतलब एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2, ये प्रॉब्लम है इसमें। तो मैंने बताया ना जैसे कि एक्सीलरेटर पेडल का प्रॉब्लम है तो ऐसा है, ठीक है। अभी लाइव डाटा भी दिखाता हूँ मैं आपको, लाइव डाटा में जाके हैं ये देखो एक्सीलरेटर पेडल, ठीक है। तो एक्सीलरेटर पेडल के हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, और एक्सीलरेटर पेडल में भी है ना दो सिग्नल होते हैं, सिग्नल 1 और सिग्नल 2, वो सेफ्टी के लिए दिया होता है कंपनी ने। तो दोनों सिग्नल की वैल्यू मैच होनी चाहिए तभी आपका एक्सीलरेटर प्रॉपर वर्क कर रहा है करता है, ठीक है। नहीं तो आपका एक्सीलरेटर प्रॉपर वर्क नहीं करता है, एक भी इसके सेंसर में प्रॉब्लम है ना तो आपकी गाड़ी एकदम प्रॉपरली पिकअप वगैरह नहीं ले पाती है। देखो कितने में भी एक्सीलरेटर प्रेस करता हूँ, ये देखो ये 100% दिखाया, ठीक है। और ये वैल्यू भी देखो, ये भी देखो अभी कैसा बढ़ रहा है, देखो पूरा एक्सीलरेटर प्रेस किया है मैंने, धीरे धीरे होके जा रहा है, ये देखो कैसा जा रहा है, ऐसा तुरंत 100 होना चाहिए। तो एक्सीलरेटर भी दिखाओ, नहीं नहीं ये दोनों दिखाओ, ये देखो दिख रहा है एक्सीलरेटर, देखो मैं पूरा प्रेस करता हूँ और इधर परसेंटेज देखो कितना डिले हो रहा है। तो यही दिक्कत है हमारा पिकअप कम होने की, ठीक है। तो अभी एक्सीलरेटर पेडल खोलते हैं हम, तो एक्सीलरेटर पेडल खोलना कुछ बड़ी बात नहीं है, ये देखो 10 नंबर के 3 बोल्ट है, 3 बोल्ट निकालने हैं और ये कपलर निकाल देना है, ठीक है। तो एक्सीलरेटर पेडल हमारा बाहर आ जाता है, ये देखो ये एक्सीलरेटर पेडल हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अभी इसको खोल के देखते हैं, तो कुछ एक्सीलरेटर पेडल है वो रिपेयर हो जाते हैं और कुछ रिपेयरेबल नहीं होते, तो अभी इसमें ट्राई करेंगे हम रिपेयर होता है क्या देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये इसके 2 स्क्रू है ये मैंने निकाल दिए और अभी ये पेडल है इसमें लॉक होते हैं 2 जगह, ये देखो ये लॉक हटा के इसको मैं बाहर निकालूंगा, ये देखो ये 1 जगह से निकल गया और ये दूसरी साइड से भी निकल रहा है, ये देखो ये देखो ये दोनों साइड से निकल गया। अभी इसमें थोड़ा सा हम साफ वगैरह करके देखेंगे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, ठीक है। तो ये देखो ये स्प्रे है,
ये सिर्फ ये पीसीबी क्लीन करके देखना है, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर या फिर WD-40 वगैरह आप यूज़ करते हो ना तो भी चलता है। अभी इस पर एयर वगैरह मारेंगे अच्छे से। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये इसका में जैसे हमारा प्रीसेट होता है इलेक्ट्रॉनिक का, आपको नॉलेज है तो आपको पता चलेगा। प्रीसेट जो पुराने ज़माने में हमारे होम थिएटर में वगैरह स्विच आते थे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के, वो क्या है वो रजिस्टर होते हैं, उसको प्रीसेट करते हैं, रजिस्टर्स कम ज़्यादा होता है। जैसे इसमें ये होता है ना, ये इसके ब्रश वगैरह वो टच होते तब कम ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस। तो ये है कैसा है, घिस घिस के थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण अच्छे से काम नहीं कर पाता पुराना हो जाने के बाद। ठीक है, अभी इसको क्लीन कर दिया है, अभी हवा वगैरह मार के साफ़ करेंगे और फिर से बिठा के चेक करेंगे। तो अभी सिर्फ कपलर लगा दिया है और अभी स्टार्ट करेंगे गाड़ी। ठीक है, देखो स्टार्ट की चेक लाइट आ गई फिर से, मतलब हमारा सक्सेस नहीं हुआ है। ये देखो दबा रहा हूँ, बहुत लेट रेस हो रही है। ये देखो तो मतलब ये बहुत ज़्यादा घिसा है इसका रेजिस्टेंस वगैरह, तो हमें ये नए डालना पड़ेगा। तो अभी महिंद्रा का जेन्यून नया एक्सीलेटर पेडल हमने मंगाया है, तो ये हमने मंगाया बुडमू से। बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड भी ले सकते हो। तो बुडमू पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, जैसे कि आपको कंपनी का OEM चाहिए, जैसे कि हमने महिंद्रा का मंगाया तो वो भी मिल जाते हैं हर एक कंपनी के। इसके साथ ही साथ आपको आफ्टर मार्केट चाहिए, OES पार्ट चाहिए, तो वो भी आपको बुडमू पे इजीली मिल जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अभी ये एक्सीलेटर पेडल है, इसका सिर्फ कपलर लगा था मैं और चेक करवा देता हूँ आपको कि प्रॉपरली अभी हो रहा है एक्सीलेट या नहीं हो रहा है। ठीक है, तभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और अभी एक्सीलेटर देख के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसी रेस होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। देखो जैसे मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ ना, पूरी रेस हो रही है गाड़ी अब। ये देखो तो अभी हमारा एक्सीलेटर है ये प्रॉपर हो गया, और अभी पिकअप भी आएगा क्योंकि पहले रेस ही नहीं होती थी तो पिकअप कहाँ से आता। ठीक है, तो अभी मैं लाइव डाटा में आपको दिखाता हूँ। पहले वैल्यू बढ़ नहीं रही थी तो अभी दिखाता हूँ वैल्यू, रॉ वोल्टेज भी दिखाता हूँ। ये देखो ये इसका वोल्टेज और कितना परसेंट जा रहा है ये दिखाता हूँ। पकड़ो, अभी मैं एक्सीलेटर प्रेस करता हूँ कि अभी दो हाथ लग रहे हैं कि हमने उसके बोल्ट नहीं लगाए। ये देखो तुरंत प्रेस करते करते तुरंत जा रहा है 100 पे। पहले एकदम स्लो स्लो जा रहा था, अभी एकदम प्रॉपरली और एकदम तुरंत जा रहा है। ठीक है, तो अभी एक्सीलेटर पेडल बिठाते हैं और ट्रायल लेके देखते हैं। तो अभी देखो गाड़ी चला रहा हूँ मैं और कुछ भी टाइट नहीं है, कुछ भी मार नहीं, एकदम प्रॉपरली चल रही है और भी एकदम प्रॉपर चल रही है। देखो एकदम मस्त पिकअप आ रहा है और आवाज़ सुन रहे हैं आप, एकदम रेस भी हो रही है। देखो मैं